जहाँ हम मसीह कलीसिया के तहत जुड़ने पाते हैं और परमेश्वर की दया सदा इसी प्रकार से हमारे जीवन में बनी रहती है। सो हम इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं। परमेश्वर के वचन में से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे जो कि भजन संहिता 56 का है और उसके 1 से लेकर 4 पदों के बीच में हम इस बात को देखते हैं। भजन संहिता 56 उसके कुछ पदों को हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगल खाते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा त्याग कर सकता है। है ना, परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की दया और अनुग्रह उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में बने रहना बहुत ज़रूरी है और कोई भी हानि कोई भी तकलीफ नहीं होती बल्कि परमेश्वर उसमें से भी हमें बाहर निकालता है। भजन संहिता 56 अध्याय, परमेश्वर हमारा सहायक है, सामर्थ्य है और वो हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम प्रार्थना करें। महान अधिक अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर, आपके नाम बहुत धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए। पिता परमेश्वर आपकी दया अनुग्रह और पिता परमेश्वर सामर्थ्य हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बना रहने का है पिता। जिस प्रकार से पिता परमेश्वर हम पे अनुग्रह कर पिता, दाऊद राजा इस बात को 56 अध्याय के अनुसार कहता है, विरोधी बहुत है पिता पर हम उन विरोधों में भी पिता परमेश्वर तुझसे आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, तुझसे पिता परमेश्वर सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारा भरोसा आप पर है पिता। दाऊद राजा जिस प्रकार से भरोसे के लिए कहता है, परमेश्वर पे आशा रखने के लिए कहता है, परमेश्वर पे अपने सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए कहता है पिता, हम उसी प्रकार से आज प्रार्थना करते हैं दिन के लिए पिता, आराधना के लिए, महिमा के लिए हमारा भरोसा हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है। सब इस बात को प्रार्थना के माध्यम से उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनने का मौके जिस प्रार्थना व्यक्ति को आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गीत गाएंगे। 155 155 नंबर का गीत है। 155 इसे हम एक साथ मिलकर आराधना करेंगे और उसके नाम का ऊंचा उठाएंगे। यीशु रख सलीब के पास चश्मा मिलता वो जो सबों को कलवरी से 115 सॉरी ओके ओके 115 हम गीत गाएंगे। अब मैं लिखा भी वैसा 55 हो गया ठीक है 115 हम गाएंगे सॉरी 115 सलीब पर यीशु हुआ है यीशु के सिताईश 115 115 नंबर का ये गीत है। हम सब अपने जगह पर हमारे गीत की किताबों में गीत नंबर 115 की गीत पर सलीब पर यीशु हुआ है सलीब पर यीशु Oh,
दोहराएंगे, जो कि किताब के पहले पृष्ठ पे पाया जाता है और वो सदार्थ है। मैं एतकाद रखता हूँ खुदा का जिंदा बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह मरियम से पैदा हुआ, उठाया सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिल मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाओं पर, मुकद्दसों की बाकत, गुनाहों की माफी, के जी उठने और हमेशा की जिंदगी। आमीन। आइए इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम इत्तेफाक के सबक के रूप में पढ़ेंगे भजन संहिता 57, साम 57। भजन संहिता 57 संक्रमण का अध्याय। भजन संहिता 57 का अध्याय। छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परमप्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निंदने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहासनों के बीच में है, मुझे जलते हुए बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्य के बीच में जिनके हाथ मछली और तीर के हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण डाल जाता है, उन्होंने मेरे आगे गड्ढे खोदा है, परंतु आप ही इसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जागता, हे सारंगी और वीणा जागता, मैं भी कौपट से ही जाग उठता। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक खड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हम सब बोलेंगे, हे परमेश्वर जो स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। परमेश्वर के वचन से पढ़े जाने के आशीषों में आइए हम हंस गाएंगे। ओ सिताई बाकी और बेटे